अभी मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देती हूँ हिंदी सब्जेक्ट में नोटबुक के रिगार्डिंग। फर्स्ट बुक हमारी होगी हिंदी टेक्स्ट वसन और सेकंड बुक हमारी होगी हिंदी की बाल महाभारत कथा। सबको दिख रहा है? ओके स्टूडेंट्स। और व्याकरण का अध्ययन हम पाठ के अनुसार करेंगे, जो व्याकरण आएगी पाठ के साथ साथ उसका अध्ययन हम करते चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत के दिनों में अभी स्टार्टिंग हम ग्रामर से ही करेंगे। सिक्स क्लास के जो आपने ग्रामर के टॉपिक पढ़े थे उन्हीं टॉपिक का हम अभी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ग्रामर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोटबुक के बारे में भी बता देती हूँ। हिंदी में आपकी ओनली वन नोटबुक बनेगी, एक नोटबुक बनानी है। जब मैं आपको कोई वर्क देती हूँ तो आप उस नोटबुक में करते चलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने एंटर कर लिया होगा, सभी बच्चे आ गए। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम संज्ञा। संज्ञा आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था। संज्ञा शब्द सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा आया कहां से। संज्ञा शब्द को हम देखते हैं, ये हमने आपको शब्द विचार पढ़ाए थे। शब्द विचार संज्ञा क्या है? शब्द भेद का एक प्रकार है। संज्ञा क्या है? शब्द भेद का एक प्रकार है। शब्द विचार आपने पढ़े थे ना, पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों को हमने पढ़ा था। वो हम दोबारा पहले संज्ञा शब्द कहाँ से आया इसको समझने के लिए पहले मैं आपको शब्द विचार के भेदों को समझाती हूँ। तो शब्द विचार में हमने शब्द के भेद पढ़े थे। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड हमने पढ़ा था रचना के आधार पर। थर्ड टाइप हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। और फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर। तो हमने प्रीवियस क्लास में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद पढ़े थे? पांच भेद पढ़े थे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ये शब्द की जानकारी हमने आपको प्रीवियस क्लास में दी थी। इसके बाद रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमने शब्द के तीन भेद पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और नेक्स्ट टाइप हमारा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा था सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो अब संज्ञा देखो हमारा कहाँ से आया। संज्ञा है हमारा इसका थर्ड टाइप है प्रयोग के आधार पर। शब्दों के हमने क्या पढ़े हैं? दो भेद पढ़े हैं, विकारी और अविकारी। इसका थर्ड टाइप है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम इनको समझ लेते हैं। प्रयोग के आधार पर हमने शब्द के दो भेद पढ़े हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? विकार का अर्थ होता है, विकार का अर्थ है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। तो वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारण आदि के प्रभाव से क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिन
वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो लिंग वचन काल आदि के अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। सभी बच्चों को आवाज आ रही है और समझ आ रहा है ना, थम्स अप कीजिए। यस बेटा, सभी को समझ आ रहा है ना? हाँ, गुड। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, अब संज्ञा जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? विकारी शब्द है। अभी आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, जो भी आपको लिखना है पहले आप टॉपिक को अच्छे से समझें, जो भी आपको लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो विकारी शब्द के भेद पढ़ेंगे हम। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी होते हैं संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अभी हम जब रिविजन क्लासेस चलेगी हमारी, तो हम इन टॉपिक को विकारी शब्द को स्टार्ट कर रहे हैं, विकारी शब्द पढ़ेंगे। आज हमारा विकारी शब्द का फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम विकारी शब्द के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे संज्ञा। उसके पहले मैं अविकारी शब्द के टाइप्स भी आपको बता देती हूँ कि अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो इतना तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा, वो कहाँ से आया है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द का एक टाइप है। तो हम आज हमारा विकारी शब्द का फर्स्ट टाइप संज्ञा का अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया? शब्द विचार टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस टू क्लासेस में डिटेल से पढ़ा। ओके, अब हम पढ़ते हैं संज्ञा। ये सबसे पहले हम संज्ञा के अर्थ को समझेंगे। संज्ञा किसे, संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा का अर्थ होता है जानना, किसी भी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसको समझना। तो उसको समझने के लिए हम उसको उसका नाम पता करेंगे। तो संज्ञा क्या है? नाम। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। नाम से ही हम क्या है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे। तो आपको क्या समझना है संज्ञा में? संज्ञा का अर्थ है जानना, समझना। तो नाम से ही हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो संज्ञा शब्द का अर्थ आपको रखना है यहाँ जानना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, समझती होंगी आप सिर्फ परिभाषा का, को ध्यान से देखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा, व्यक्ति में कौन कौन आएंगे, वस्तु में क्या क्या वस्तुएं आएंगी, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूं। परिभाषा शब्द देखी है, परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये भी मैं आपको डिटेल से बता दूं, व्यक्ति में कौन आएंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्यक्ति,
स्थान और भाव, ठीक है। अब किसी भी विशेष व्यक्ति का, व्यक्ति में आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो। विशेष व्यक्ति का नाम राम, मोहन, सीता, गीता, या आपका नाम, मेरा नाम सपना, ठीक है। तो व्यक्ति में हम, व्यक्ति में किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है। वस्तु में, ये मेरे हाथ में चॉक है, डस्टर है, या फेन है, लाइट है, ये सभी वस्तुएं आ सकती है। प्राणी, कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, ये सब किसमें आएंगे, प्राणी के अंतर्गत आते हैं। स्थान, स्थान आप देख सकते हैं, गांव, शहर, दिल्ली, ठीक है, आगरा, किसी भी स्थान के अंतर्गत किसी विशेष स्थान का नाम होना चाहिए। और भाव, भाव में पॉजिटिव थिंग भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। भाव हमारे सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं, परिभाषा के साथ मैंने आपको बता दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद हम पढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा की परिभाषा आई थिंक सभी को समझ में आ गई। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा मैटर आपके पास पहुंच सकता है। अभी आप बोर्ड से कुछ भी नोट डाउन मत कीजिए, सिर्फ समझिए। सबको समझ आया इतना मैंने पढ़ाया, थम्स अप कीजिए। जितना टॉपिक पढ़ाया समझ में आया, सभी को समझ में आया, गुड, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य भेद तो तीन होते हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आदिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। अच्छे ना, तो संज्ञा के हमने प्रीवियस क्लास में पांच भेद पढ़े थे, वह पांचों भी भेद हम पढ़ेंगे। पर संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। जिन दो भेदों को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, फिर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ओके। तो हम, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, पीडीएफ के माध्यम से हम क्या करेंगे, संज्ञा के पांचों भेद का डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा और आप उसके माध्यम से आप देखकर संज्ञा को पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले मैंने आपको, बेटा डिसिप्लिन से क्लास में रहना है, बिल्कुल, अभी आपका लंच ब्रेक हुआ है, किसी को भी कुछ खाना या पीना नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, मैंने आपको देखो वापस दोबारा मेरा टॉपिक, ओके बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं वैसे भी एनोटेट कर रही हूँ, बट स्क्रीन तो आप क्या करें, ओके बेटा, स्क्रीन को आपको बिल्कुल भी, स्क्रीन को टच छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको वापस से समझा रही हूँ संज्ञा की। अभी हमने परिभाषा पढ़ी है, क्या पढ़ा है,
पहले मैंने आपको संज्ञा शब्द कहाँ से आया इसको डिटेल में बोर्ड पे समझाया था। अब हम संज्ञा की परिभाषा देख रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी, अभी अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव तथा जीव यानी प्राणी के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये डेफिनेशन है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया, उसी को रिविजन में कर ले रही हूँ। प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, नील, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। सभी बच्चों को स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, थम्स अप कीजिए। स्क्रीन दिख रही है ना? यस या नो? थम्स अप, गुड। प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, स्टूडेंट्स मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, कुछ भी आ सकता है। अब इतना तो हमने समझ लिया था, अब हमारे संज्ञा के भेद है। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप डिटेल में देखिए। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, स्पेसिफिक नाम आता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रवीना, सोनिया, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम कार, टाटा, चाय, कोई सी भी वस्तु नहीं आ सकती है, पुराण, गीता, रामायण आदि। स्थान के नाम हम देख सकते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व आदि। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा आदि। मैं डिटेल में बता रही हूँ एक चीज, इनके अलावा भी आप और उदाहरण इसमें ऐड कर सकते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी आदि। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। नदियों के नाम भी हम ले सकते हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, अगर नदी का नाम लेते हैं, ओनली नदी का नाम लेते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। लेकिन हम नदियों के नाम स्पेसिफिक गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, इनके नाम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगी। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, कराकोरम आदि। नगर चौकों के और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यव्रत आदि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति आदि। दिनों महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार आदि। त्योहारों उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि। तो इस तरह हमने अभी भी समझा था बोर्ड पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और डिटेल में यहाँ सभी के क्या रहे हैं, सभी के नाम को हमने डिटेल में समझ लिया है। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारा सेकेंड टाइप है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा समझ लीजिए आप। जिस शब्द से
इस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, विद्यालय, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान। इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं होता, सिर्फ बच्चा लिखा हुआ है, यहाँ बच्चे का नाम नहीं है। बच्चे से उसकी पूरी जाति का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। जानवर में किसी स्पेशल जानवर का नाम नहीं है, नदी में किसी स्पेशल नदी का नाम नहीं है। अगर यहाँ नदी में आता गंगा तो वो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता। बट यहाँ क्या है? नदी है, तो ये किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अध्यापक, अगर यहाँ अध्यापक है तो ये अध्यापक की पूरी जाति है। अगर यहाँ होता सपना तो ये क्या होता? मेरा नाम होता हिंदी अध्यापिका सपना जैन, तो वो किसमें आता? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। बाजार, गली, पहाड़, ये सभी इनसे इन शब्दों से क्या है? इन शब्दों से विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध हो रहा है। इसलिए ये सब क्या किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और बहुत सारे शब्द हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे यहाँ लड़का, पशु, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। अब लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का क्या हो रहा है यहाँ पे? बोध हो रहा है। पशु से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति के पशुओं का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध हो रहा है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का यहाँ क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, पूरी जाति का बोध होता है। तो इतने उदाहरण से आप समझ चुके होंगे, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है। बोध होना यानी उसकी जानकारी होना, पता चलना। तो क्लियर, दो टाइप्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं नाउन, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और जातिवाचक संज्ञा को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम संज्ञा के थर्ड टाइप पे आते हैं। संज्ञा का हमारा थर्ड टाइप है भाववाचक संज्ञा। अब थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, चढ़ाई आदि बहुत सारे शब्द होते हैं। अभी आपको मैंने समझाया है, भाव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है? ईमानदारी, वीरता आदि, तो ये सब क्या है? जिन शब्द भाव से उसकी गुण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का जो शब्द बोध कराते हैं, वो क्या सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों से की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह है, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था को बताता है। अतः उत्साह है, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। पता चल रहा है आपको, आदि भाववाचक संज्ञा है। आज हम संज्ञा के ये तीन ही भेद पढ़ेंगे। मैं आपको रिवीजन में वापस लेती हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा के बाद संज्ञा के पांचों भेदों के नाम याद रखने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कल हम तीनों को का दोहरान करके इन दोनों को पढ़ते हुए कल आपको होमवर्क भी मिलेगा स्टूडेंट्स, उसको आपको नोटबुक में करना है। तो इन सबको आपको एक एक बार मैं स्क्रीन पर ला रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी आप देख रहे हैं, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है वो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा का। स्टूडेंट सभी को क्लास समझ में आई, यस या नो, हम सबसे बताइए। ओके ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट होंगे हम वह डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, बाय। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, एक बच्चा मेरे साथ पास रहती है मेरे घर पे।